recommended crossing bridge. अभी आप ये देख रहे हो कि ये क्या है? ये एक पार्किंग फ्रेम है। आज के दौर में तो कैलकुलेटर की मदद से आप कितनी भी चीज चला सकते हैं। यूज करते हैं लक्ष्य में जैसे आप जाएंगे लक्ष्य ये जीवन के जीवन के बच्चे वहाँ पे यूज कर देते हैं। बहुत आज के जो नए में से के बच्चे हैं वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। ये कैलकुलेटर है मतलब पुराने दौर में जो थे जब इसका पता नहीं था लोगों को जब अपना मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन बताया था कि व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में आते हैं मल्टीप्लिकेशन में आते हैं सबट्रैक्शन में आते हैं और डिवीजन में आते हैं आप सब में एडिशन बता सकते हैं एडिशन कैसे होते हैं ये एडिशन अभी पहले तो लोगों को ये पता ही था कि डी और गुड प्लस करेंगे तो क्या बनेगा अब अगर से बताएं कि एक है डायग्राम है उसमें से दो बहुत सकते हैं यहाँ पर डी और गुड किए डी एडिशन आपको ऐसे करते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव जितने दिन बस को पहले हम एक नहीं एक लाइन एक और में हम तीन इंच डालेंगे फिर दूसरे और में हम दो इंच डालेंगे फिर हम आप देख लीजिए सारे बच्चे अभी क्या लिखा माइनस फोर माइनस का मतलब है काट देना आपको याद है वन टू ये थ्री फोर हमने बिठा दिए हमारे पास थ्री दे गए वन टू थ्री तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री ये इसकी मदद से हम लोग सब चेक कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी देते हैं आजकल के बच्चे तो कैलकुलेटर कैलकुलेटर उठाते हैं दो बार लिखना है इन दोनों को हम कम कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे हमारे पास सिक्स आ गया अभी हम डिवीजन करेंगे अभी डिवीजन करवा रहे हैं आप बहुत अच्छी लगेगा ये आपको फायदा थ्री डिवाइडेड बाय नाइन का मतलब ये है कि जैसे तीन बच्चे और नौ नौ थे इनको बच्चों में तकलीफ करने बराबर तकलीफ करने हम उसको तकलीफ नहीं करेंगे जैसे तीन बच्चे और नौ थे ये हमने पहले बना दिया था पते के लिए आ गए या कितने पते के लिए अभी तीनों को बराबर ऐसा मिल गया तीनों बच्चों के पास तीन तीन सेम आ गए